Bismillahirrahmanirrahim. So in today video lecture we will cover information security and we will see all the relevant materials regarding computer and information security. जब भी आपके पास दो नोड्स कम्युनिकेट करते हैं या जब भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं ओवर द इंटरनेट तो आपके पास सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं और आजकल के दौर में हर चीज़ जो ऑनलाइन होती जा रही है इवन ईमेल से लेकर ऑनलाइन बिजनेस आपके बैंकिंग इवन एजुकेशन सो सिक्योरिटी उस हद तक सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट होती जा रही है तो सबसे पहले ये हमने देखना है कि किस तरह अपनी इंफॉर्मेशन को हम सिक्योर कर सकते हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स यू आर डिफेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस यूज़ डिस्क्लोजर डिस्क्रप्शन मॉडिफिकेशन इंस्पेक्शन रिकॉर्डिंग आर डिस्ट्रक्शन सो आप ये देखते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं या एक जगह से आप सेंड कर रहे हैं दूसरे नोट तक या दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन तक तो आप चाहते हैं कि कोई हमारी इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके आपके डिवाइस को कोई बंदा जो अनऑथोराइज बंदा है वो उसको एक्सेस ना कर सके उसको यूज़ ना कर सके डिस्क्लोज ना कर सके आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो डिस्टर्ब ना हो इट मीन्स कि आपकी इंफॉर्मेशन आपका हार्डवेयर डिस्ट्रप्शन हो आपकी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रप्शन भी हो सकती है डिस्ट्रप्शन मॉडिफिकेशन ये भी हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चेंजेस करें और आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज करें जो आप सेंड कर रहे हैं वो उस हालत में ना पहुंचे बल्कि आपको वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिसीवर को पहुंचे इंस्पेक्शन भी हो सकती है कि सिंपल ऐसे भी यूज़र हैं जो कि इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं कि दो नोट्स के अंदर कौन सी क्या कम्युनिकेशन हो रही है रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है कि आपकी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुँच ही ना सके तो ये आप क्या करते हैं कि आप अनऑथोराइज्ड एक्सेस से डिस्क्लोजर से इंस्पेक्शन से मॉडिफिकेशन रिकॉर्डिंग स्निफिंग ईज ड्रॉपिंग से अपने इंफॉर्मेशन को आप बचाते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सो इट्स बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग इंफॉर्मेशन सो व्हेन यू डिफेंड द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग योर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिस्क्लोजर डिस्क्रप्शन मॉडिफिकेशन इंस्पेक्शन रिकॉर्डिंग और डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है कि जिस तरह इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सो व्हाट बेसिकली सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेफगार्ड्स आपके पास हार्डवेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं ये वो सिस्टम सेफगार्ड जिसके थ्रू प्रोटेक्ट कर सके प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस एंड सिस्टम फेल्योर डेट कैन रिजल्ट इन डैमेज और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन सो बेसिकली द सिस्टम दैट इज यूज टू सेफ गार्ड अगेंस्ट आर प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस इज कॉल्ड सिक्योरिटी सिक्योरिटी जिस तरह हम देखते हैं सिक्योरिटी मैटर्स आर अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम विद अटैक्स आर कंप्यूटर्स एंड डेटा बिकमिंग मोर पावरफुल एंड मोर कम्प्लेक्स जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं कि हर एक चीज़ इंटरनेट के ऊपर है तो जिस तरह की कम्युनिकेशन बढ़ती जा रही है ऑनलाइन उसी तरीके से आपके पास सिक्योरिटी जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रॉब्लम बनता जा रहा है रोज़ कोई ना कोई सिक्योरिटी इश्यूज जनरेट होते हैं फिर वो सॉल्व होते हैं तो दो किस्म के स्पेशलिस्ट होते हैं कुछ लोग डिफेंड करते हैं कुछ लोग अटैक करते हैं तो दोनों एंड से नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है और इस ये इशू हमारे पास और बढ़ता जा रहा है जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा होती जा रही है जितनी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है तो ये उसी इशू और बढ़ता जा रहा है जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इंटरनेट सिक्योरिटी ही है या समझी जाती है इंटरनेट सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ये भी ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी की आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि इंटरनेट को आप किस तरह सिक्योर करते हैं जिस तरह हम कहते हैं कि इंटरनेट बेसिकली इनसिक्योर चैनल हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम इंटरनेट को कहते हैं कि ओपन वायरलेस चैनल है एनीबॉडी कैन स्निफ एनीबॉडी कैन हैक एनीबॉडी कैन डिस्टर्ब योर इंफॉर्मेशन एनीबॉडी कैन गेट एंड मॉडिफाई योर इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट को क्या करना है सिक्योरिटी इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है सो इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड टू इंटरनेट ऑफन
often involving browser security, but also network security on more general level. It implies to other application and operating system on a whole. What is basically objective of internet security? Its objective is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. So आप ऐसा mechanism establish करते हैं, ऐसे rules और measures आप लेते हैं कि आपके internet को secure कर सकें against attacks. A different kind of attacks आपके पास क्या करें, आप उसको secure करें. अगर हम इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास तीन बेसिक सिक्योरिटी हैं. फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इज रिलेट्स टू टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट सिक्योरिटी. सबसे पहले है साइबर थ्रेट्स. साइबर थ्रेट्स में आपके पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, वर्म्स वायरसेस हैं या ट्रोजन हॉर्सेस हैं. सेकंड पे हमारे पास है परपेट्रेटर्स ऑफ साइबर मिसचीफ्स, जो आपके पास हैकर और क्रैकर्स के फॉर्म में आते हैं, जो ज़्यादातर हम हैकर्स ही समझते हैं और फिर इनके डिफरेंट टाइप्स हैं. तब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सेफ्टी है. कंप्यूटर सेफ्टी में आप एंटीवायरस या फायरवॉल्स, पासवर्ड्स आपके पास लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या आप इंक्रिप्शन या डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म में या डिजिटल सर्टिफिकेट के फॉर्म में अपने कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं. सो आपके पास ये तीन एस्पेक्ट्स हैं टेली कम्युनिकेशन के सिक्योरिटी. सबसे पहले हम देखते हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है या DOS अटैक क्या है. DOS अटैक है कि आप किसी सिस्टम के किसी लिंक के ऊपर या किसी सिस्टम को आप रिपीटेडली रिक्वेस्ट सेंड करें. वो रिपीटेड रिक्वेस्ट ये होते हैं कि वो एक आप समझ लें कि फेक रिक्वेस्ट होते हैं, जो फ्रॉडलेंट रिक्वेस्ट होते हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने सिस्टम को या नेटवर्क को बिज़ी रखना है. जब आप सिस्टम को या नेटवर्क को या लिंक को बिज़ी रखते हैं तो उसमें ये होता है कि जो आपका लेजिटिमेट यूज़र हैं, वो यूज़र जो कि ऑथोराइज यूज़र है और वो सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको मौका नहीं मिलता. सो डिनाइल ऑफ सर्विस मीन्स कि रिपीटेडली सेंड या कॉन्स्टेंटली सेंड रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर और नेटवर्क, ताकि आप देयर बाई ओवरलोडिंग इट बाय डिनाइंग लेजिटिमेट यूज़र एक्सेस टू इट. हमेशा से कंप्यूटर्स के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकता है एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर. तो जब आप रिपीटेडली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो कंप्यूटर ज़्यादातर आपके पास ओवरवेल्म हो जाते हैं या डाउन हो जाता है, या आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है ड्यू टू दिस रिपीटेड फेक रिक्वेस्ट. तो इससे ये होता है कि जो आपका लेजिटिमेट यूज़र्स हैं वो आपके पास एक्सेस नहीं कर पाता आपके सिस्टम के ऊपर. मिसाल के तौर पर अगर आप देख ले जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, अगर आप अमेज़ॉन को देखें तो अमेज़ॉन का सिस्टम को अगर आप फेक रिक्वेस्ट के साथ बिज़ी रख सके, एक मिनट के लिए भी आप बिज़ी रखते हैं, तो उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचता है उस एक मिनट के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया से ऑनलाइन रिक्वेस्ट लेजिटिमेट यूज़र्स एक्सेस करते हैं उनके नेटवर्क को. तो ये आपके पास डिनाइल ऑफ सर्विस, आप समझ सकते हैं कि ये एक अटैक है जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी बाईपास कर सकते हैं या किसी भी सिस्टम या नेटवर्क की. सेकंड पे हमारे पास आते हैं मलवेयर, जिसके अंदर वो वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, ये तीन फॉर्म हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर जो अटैक है. अगर आप सेमेंटिक इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट आइडेंटिफाई ओवर 2008 के अंदर 1.6 मिलियन मेलिशियस कोड्स आप आइडेंटिफाई किए गए थे. 1.6 आजकल तो अगर आप देखें आजकल तो काफ़ी ज़्यादा होंगे. मलवेयर के अंदर सबसे पहले हम देखें कि वर्म्स क्या होते हैं. वर्म्स आप एक ऐसा प्रोग्राम है दैट रिपीटेडली दैट कॉपीज इटसेल्फ रिपीटेडली ऑन कंप्यूटर मेमोरी. अच्छा, ये स्पेस पकड़ता है, ये इतना इसके अंदर कोई कोड नहीं होता जो कि मलिशियस कोड इस तरह हो जो आपके सिस्टम को ख़राब कर सके, लेकिन ये रिपीटेडली एक स्पेसिफिक जगह ऑक्यूपाई करता है आपके सिस्टम की मेमोरी के ऊपर या डिस्क के ऊपर, उसकी रिपीटेड कॉपीज़ बन जाती हैं. इसके कुछ फॉर्म है कोड रेड, नेमडा, क्लेज, और ये इसके डिफरेंट फॉर्म है. इट्स बेसिकली ए प्रोग्राम है जो कि अपने आप को कॉपी करता है रिपीटेडली और आपके कंप्यूटर मेमोरी को या आपके डिस्क ड्राइव के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सेकंड पे हमारे पास बूट सेक्टर वायरसेस हैं. ये भी ऐसे किस्म के वायरसेस हैं जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस जो बूटिंग में आपके या पावर ऑफ द सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं उसी को रिप्लेस कर लेते हैं
बाई इट्स ओन इंस्ट्रक्शन। तो ये बूट सेक्टर वायरसेस हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से जनरेट हो जाते हैं। थर्ड पे हमारे पास मल्टी पार्टेड वायरसेस है जो हाइब्रिड होते हैं, जिसके अंदर दोनों फाइल्स होते हैं, बूट सेक्टर भी और हाइब्रिड ऑफ द फाइल एंड बूट सेक्टर टाइप्स। द मल्टीपल वायरस इंस्पेक्ट बोथ फाइल्स एंड बूट सेक्टर, तो ये फाइल्स को और बूट सेक्टर्स को इंस्पेक्ट करते हैं। स्टील्थ वायरस इसके अंदर है। फिर हमारे पास माइक्रो वायरसेस हैं, ये भी टाइप है एडवांस प्रोसीजर इन विच अब अगर आप देखें अनटिल रिसेंटली सच डॉक्यूमेंट्स हैव टिपिकली बीन इग्नोर्ड बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो वायरस आर कंसेप्ट विच अटैचेस टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल अटैचमेंट। ये बेसिकली यहाँ पे ही है स्प्रेडशीट्स के ऊपर। लॉजिक बम है, लॉजिक बम भी आपके पास एक टाइप है वायरसेस की। इट्स बेसिकली वी कैन से इट्स अ पीस ऑफ कोड इंटेंशनली इंसर्टेड इन टू सॉफ्टवेयर सिस्टम और दैट इज बेसिकली वी कैन से अ सेट ऑफ अ मलिशियस फंक्शन व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट सो इट परफॉर्म द डिजायर फंक्शन। सो ये स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप एक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, अगर ये कंस्ट्रेंट पूरी होगी तो ये लॉजिक बम अपना काम करें। तो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम के ऊपर आप इसको समझ सकते हैं कि आप इसको ब्लास्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के ऊपर लॉजिक बम। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ थ्रेट्स हैं, जिस तरह हैं ईमेल हॉक्स हैं, ये भी ऐसे आपके पास थ्रेट्स हैं थ्रू ईमेल्स आपको मिलते हैं जो वार्निंग मैसेजेस होते हैं इंटरनेट के ऊपर और अननेसेसरीली आप ट्रैफिक को अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को ये लेते हैं और अननेसेसरी बुरीज क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास हैकर्स हैं जो कि हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू।